प्रदेश सरकार द्वारा अपराधों का ग्राफ कम करने का पुलिस ने नया तरीका निकाल लिया है। जी हां, जब अपराध दर्ज ही नहीं होगा तो आंकड़ों में कहां से इनकी वानगी देखने को मिलेगी। शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र में जहां दबंगों ने शौच को गई दो सगी बहनों को अपनी हवस का शिकार बनाया, जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उसे तमंचा मारकर घायल कर दिया और दुष्कर्म करके फरार हो गए। इस घटनाक्रम में सबसे अहम रोल निभाया पुलिस ने। शिकायत करने गई लड़कियों को झूठा बताते हुए बदमाशों का पक्ष लेते हुए घटना को झूठा साबित करने का प्रयास किया। जब मीडिया और जनता के द्वारा मामला जब बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया गया तो अधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर मदनापुर पुलिस ने मजबूरी वश मुकदमा दर्ज कर दोनों पीड़ितों को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। योगी सरकार का महिलाओं की सुरक्षा का यही दावा है जो सामने दिख रहा है। थाना मद्दापुर क्षेत्र के निवासी पीड़ित ने बताया कि वह अपनी सगी बहन के साथ शौच के लिए गई थी। रास्ते में तीन बदमाशों ने उनको पकड़ लिया। उन लोगों ने जब बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने एक के सर पर तमंचा मारकर उसको घायल कर दिया और दोनों के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। दोनों बहनों ने घर जाकर आप बीती बताई। परिजनों ने थाने में शिकायत की जहाँ पुलिस ने मामला टालने का प्रयास किया, लेकिन बात जब मीडिया तक पहुंची तो अधिकारियों तक अपने आप पहुंच गई और आखिरी में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने की कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना मदनापुर क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है। मदनापुर पुलिस को आदेशित करके मामला दर्ज करके डॉक्टरी के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना मदनापुर क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है। मदनापुर पुलिस को आदेशित करके मामला दर्ज करके डॉक्टरी के लिए भेजा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है और दोषी की तलाश जारी है। हम पहुंच गए थे तो वहाँ पे तो दो लोग तीन लोग थे जी, वहाँ पे आके पकड़ ले गए। थाना मदनापुर अंतर्गत बंधु नगरिया गांव में दो सगी बहनों के साथ जो है छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रकरण सामने आया है। इस पर अभियोग गिरफ्तार दिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।